आपको बता दें जो नगर निगम के चुनाव, जो मेयर के लिए जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और दो सीट है जहां पर बीएसपी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी एक बार फिर से बड़ी बढ़त की ओर है और आपको बता दें जो 16 नगर निगम है उनमें 14 जगहों पर बीजेपी आगे है, 2 पर बीएसपी को फिलहाल बढ़त है। और हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से अश्विनी गुप्ता हमारे साथ हैं, वाराणसी से अमित सिंह हमारे साथ हैं और लखनऊ से अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ, आप ऐसी सीट पर हैं इस वक्त जहां पर पहले कभी महिला मेयर का चुनाव कभी इस पद पर काबिज नहीं हुई है और क्योंकि इस बार ये आरक्षित कर दी गई है सीट, इस वजह से अब महिला को यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें जो वोटर है वो क्या सोचकर वोट देता है, क्या ये जो जीएसटी का मुद्दा उठाया जा रहा है इसको सोचता है, पार्टी का नाम देखता है, उम्मीदवार का नाम देखता है, या वो ये देखता है कि जो व्यवस्था है शहर में वो कौन बेहतर करेगा उसके लिए? देखिए, बहुत अहम और इसी सवाल पर चर्चा लगातार हो रही है कि इस बार जो वोटिंग हुई है, इस बार जो फैसला आ रहा है उसमें जीएसटी, उसमें नोटबंदी, उसमें तमाम दूसरे बड़े फैसले जो केंद्र सरकार ने लिए और साथ साथ ये भी मीमांसा, पिछले 8 महीनों में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार यहाँ पर रही है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो फैसले लिए हैं, इन दोनों ही सरकारों के फैसले को कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है ये नतीजा। दो बहुत अहम और दिलचस्प बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसा आपने पहले ही कहा कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार होगा कि लखनऊ में कोई महिला मेयर सीट पर बैठेंगी, और दूसरा ये निकाय चुनाव, हम लगातार बात कर रहे हैं निकाय चुनाव के कवरेज की बात हो रही है इतने बड़े लेवल पर, जिस तरीके से मैं तादाद यहाँ लोगों की देख रहा हूँ, जितनी उत्सुकता है लखनऊ में लोगों को ये जानने की कि आखिरकार कौन किस सीट पर जीत रहा है, इससे पहले निकाय चुनाव को लेके इतनी उत्सुकता, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेके भी, उसको दिमाग में रख के भी लोगों ने वोट डाला है। जीएसटी को लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया, इस बात को भी बात लेके आ रही थी। नोटबंदी को लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया, इस बात को भी लेके चर्चा हो रही थी। कहीं ना कहीं इन नतीजों ने ये बताया है कि परेशानी हुई, दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के फैसलों को लोगों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है, केंद्र सरकार के फैसलों की अगर बात करें। और दूसरी तरफ पिछले 8 महीनों में योगी सरकार ने जो कुछ भी काम किया है, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें, सड़कों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा और उसके आसपास का इलाका है वहाँ बिल्डर्स के मनमानियों की जो बात करें उसको लेकर अमित, और इस बार ये मैनिफेस्टो भी पूरा बकायदा जारी किया गया था, बहुत से वादे किए गए यूपी की जनता के साथ, और शायद ये भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है कि अगर सत्ता में, राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो लोगों को ये उम्मीद बन जाती है कि अगर उन्हीं के कॉरपोरेटर्स और मेयर आएंगे चुन के तो शायद उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो काम भी करेंगे।